दुनिया के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिव्य शक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश स्थानों के युवकों को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट वितरण कर रही है। इसी कड़ी में एसएन मेडिकल कॉलेज के 2017 बैच के एमबीबीएस छात्रों को माननीय मंत्री जी द्वारा एवं प्रधानाचार्य महोदय द्वारा टैबलेट वितरण किए जाएंगे। हमारे लिए अत्यंत गौरव का पल है कि हमारे बीच है उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री, कैबिनेट। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर मंच को सशोभित करें। कृपया अपना मंच पर स्थान ग्रहण कर मंच की शोभा बढ़ाएं। निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर रिक्षा गुप्ता मैडम, नोडल अधिकारी, टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन एवं दिव्य शक्ति, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि Thank you.
श्रीमान एवं Thank you.
शक्ति
बताया था, मैं हम लोग जो NEP की योजना है शिक्षा को तकनीक से, शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का उसका चरण है ये, जिसमें बच्चों को टैबलेट से को देकर उनको पूरी दुनिया से जोड़ा जा रहा है, नई नई कोर्स है, कोर्सों के नए नए विषय हैं, उन सब से जानकारी मिलेगी, जो हम लोगों का शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, उसके को योगी जी की सरकार कर रही है। और पूरे 5 साल में उनको लगभग 5 करोड़ ये टैबलेट वितरण करने हैं, जो कि मिडिल कॉलेज के और इंटर कॉलेज के और प्रोफेशनल कॉलेज के लिए काम कर चुके हैं। मंत्री जी क्या कहेंगे, बच्चों में काफ़ी उत्साह है और उत्साह को लेकर उन्हें मोदी और योगी के नारे लगाए, जय श्री राम भी बोला, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो उनका व्यक्तित्व कृतित्व है उसका रिएक्शन है ये, बच्चों में प्रसन्नता भी है और उनकी इच्छा को जो पूरा करेगा, मेरे नेता अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, छात्र भी अंतिम छोर पर बैठा हुआ ही एक वर्ग है, उसके बारे में जब सोच रहे हैं तो उनके जयकारे लगना स्वाभाविक है। थोड़ी देर जरूर लगी, इससे कोई गुदगुदाया बहुत देर फोटो को मैंने पढ़ लिया, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई नहीं जो लगा दी क्योंकि हम लोगों का काम ऐसा है, सुबह 9 बजे से निकला हुआ हूँ, जहाँ जाएंगे वहाँ पर जब तक वो लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर ये जल्दी की इन्हें उनको जल्दी पहुँचना है तो कहते हैं हाँ मंत्री बने हैं ना, इसलिए वो जल्दी लगती है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई है। खैर मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, विलंब से आया था, आप सबके चेहरे पर खुशी देखी जो हमारी सरकार छात्रों के लिए कर रही है, और उसके बाद मोदी और योगी के जयकारे भी सुने, जय श्री राम का उद्घोष भी सुना, ये आपकी खुशी की अभिव्यक्ति के कुछ वाक्य थे। मुझे किसी शायर की दो पंक्ति याद आ गई, क्योंकि तो मुझे लगा ये सिर्फ शिक्षा का काम ही नहीं हो रहा, कुछ आध्यात्म भी हो रहा है। तो लिखता है कि मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चलें, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चलें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बात बच्चे यकीन में नहीं है, लेकिन आपकी आवश्यकता की पूर्ति सरकार ने की है, और आपकी जो चेहरे पर खुशी आई है और उसको जो आपने रिएक्शन दिया है वो एक आध्यात्म की ओर भी उसको ले जाता है, कहीं ना कहीं खुशी देना भी एक आध्यात्म का ही काम है, किसी को खुशी देना। मित्रों, सरकार एक चुप कर रही है क्योंकि इससे पहले जो शिक्षा पद्धति थी हमारी लॉर्ड मेघालय की दी हुई थी, लॉर्ड मैकाले ने इस देश की शिक्षा पद्धति को दिया था, जब वो देकर अपने इंग्लैंड पहुंचा था तो उसके पिता ने पूछा तुम क्या करके आए हो हिंदुस्तान में, वो बोला इतनी गंभीर बात बोला था, आप लोग जरा सोचिए कि मैं वो शिक्षा पद्धति लेके आ रहा हूं जिससे काले अंग्रेज पैदा होंगे वहां पर। मार्गदर्शन के लिए और इस योजना के माध्यम से सभी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए, निश्चित ही योगी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है।